क्यों हो रही है जनगणना में देरी? सांख्यिकी समिति को क्यों किया गया भंग? जनगणना में देरी पर सवाल उठाने वाली सांख्यिकी समिति को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया है, जिसकी स्थापना केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2023 में की थी। सांख्यिकी समिति के अध्यक्ष ने कहा कि समिति को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। देश में जातीय जनगणना को लेकर अक्सर सरकार पर दबाव बनाया जाता है। बामसेफ जैसी राष्ट्रीय स्तरीय संगठन समेत कई फूले अंबेडकरी विचारधारा पर आधारित संगठने जातीय जनगणना की मांग करती हैं। देश की केंद्र सरकार जातीय जनगणना के अलावा दशकीय जनगणना कराने में भी विफल है। भारत में हर साल 10 साल में एक बार जनगणना होती है, जिसे दशकीय जनगणना भी कहते हैं। देश में दशकीय जनगणना 1870 के दशक से हर 10 साल में आयोजित की जाती रही है। भारत में आखिर जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी, जिसके बाद साल 2021 में अगली जनगणना होनी थी। साल 2024 लगभग खत्म होने चला है, लेकिन अभी तक केंद्र साल 2021 में होने वाली जनगणना नहीं करा पाई है। शुरुआत में जनगणना में देरी का कारण कोरोना महामारी को बताया जाता रहा, लेकिन अब सरकार के पास जनगणना में देरी का कोई कारण नहीं है। जनगणना में हो रही देरी के कारण केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा रही है। हाल ही में सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय स्थायी समिति को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि समिति के सदस्यों ने जनगणना में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए थे। मालूम हो कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2023 में इस समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य सांख्यिकी कवि प्रणव सेन थे। इस समिति का काम सर्वेक्षण पद्धति पर केंद्र सरकार को सलाह देना था, लेकिन अब इसे भंग कर दिया गया है। सांख्यिकी समिति के अध्यक्ष प्रणव सेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा समिति को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। जागृति की इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।